मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने बताया कि बॉलीवुड में किस एक्टर के ऑपोजिट करना चाहती हैं डेब्यू। साल 2021 की मिस यूनिवर्स हरनाज संधु अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पूरे 21 साल बाद हरनाज मिस यूनिवर्स का ताज वापस लाई हैं। उनसे पहले लारा दत्ता ने ये क्राउन साल 2000 में जीता था। हरनाज के मिस यूनिवर्स बनने के बाद उनके बारे में बहुत सारी बातें मीडिया में आ चुकी हैं। अब हरनाज ने हाल ही में एक इंटरव्यू में काफी खुलकर बात की। हरनाज ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो ब्यूटी पेजेंट में भाग लेंगी और मिस यूनिवर्स बन जाएंगी। उनका कहना है कि ये सब अचानक ही हो गया जब 17 साल की उम्र में वो सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता से इंस्पायर होने लगी। हरनाज को लगा कि उन्हें लोगों को इसी तरह इंस्पायर करते रहना चाहिए जैसे कि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस कर रही हैं। आपको बता दें, जब हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता तो बॉलीवुड के सितारों ने उनकी खुलकर तारीफ की। हरनाज पहले से ही एक्टिंग कर रही हैं, ऐसे में उन्होंने बॉलीवुड में आने के बारे में भी बात की। हरनाज ने कहा, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा क्योंकि मैं कभी अपनी जिंदगी को प्लान नहीं करती हूं। लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं बॉलीवुड का हिस्सा बनना चाहूंगी क्योंकि ये मेरा सपना है, एक्टिंग मेरा प्रोफेशन है। मैं लगभग 5 साल तक थिएटर कर चुकी हूँ। मैं लोगों की उस दकियानूसी सोच को तोड़ना चाहती हूँ जो सोचते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, और ऐसा एक्टिंग के जरिए हो सकता है क्योंकि फिल्मों के जरिए आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। जब हरनाज से बॉलीवुड में किसी एक खास एक्टर या डायरेक्टर के बारे में पूछा गया जिसके साथ वो डेब्यू करना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मौका मिले तो मैं संजय लीला भंसाली के साथ काम करना चाहूंगी क्योंकि मुझे उनकी फिल्में बहुत पसंद है। उनकी क्वालिटी, आर्ट और गहराई बेहद अच्छी होती है। वहीं उन्होंने कहा कि मैं पहले ही कह चुकी हूं, मैं शाहरुख खान का बहुत सम्मान करती हूं। जितनी मेहनत उन्होंने की है और अभी भी कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। इसके बाद भी उनके पैर जमीन पर हैं और वो सफल हैं। और जिस तरह वो हर इंटरव्यू में बात करते हैं वो मुझे इंस्पायर करता है।